दोस्तों, जो भी स्टूडेंट अगर आप झारखंड के स्थायी निवासी होंगे तो वैसे स्टूडेंट के लिए जो आज यहाँ पर बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट जो कि झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी के द्वारा यहाँ पे निकाली गई मेडिकल ऑफिसर्स एंड स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स की। तो अगर आपके पास इसके अनुसार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो पोस्ट कोड आपको यहाँ पर दी गई है जिसमें कि स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट एंड रेडियोलॉजिस्ट एंड मेडिकल ऑफिसर्स, यानी कि यहाँ पर तीन पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा यहाँ पे आज निकाली गई है। अगर यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की बात करें तो अगर आप किसी भी पोस्ट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे पे स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स, रेडियोलॉजिस्ट या फिर मेडिकल ऑफिसर्स के लिए, तो इसमें किसी भी पोस्ट के लिए जो आपके यहाँ पे मिनिमम जो MBBS डिग्री की यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो अगर आपने MBBS कर रखे होंगे तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल सीट की बात करें तो जो टोटल सीट आपको यहाँ पे रखी गई है स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स के लिए 254 सीट यहाँ पे टोटल रखी गई है, रेडियोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पे 21 टोटल सीटें यहाँ पे रखेगी, मेडिकल ऑफिसर्स के लिए जो 82 यहाँ पे टोटल सीटें यहाँ पे बनाई गई है। तो आप किस कैटेगरी से किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अनुसार यहाँ पे सीटें देख करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे रिम्यूनरेशन यानी जो सैलरी की बात कर लें तो जो सैलरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, तो अगर आप स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स में सेलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 1,05,000 के बीच में आपको पर मंथ सैलरी के रूप में दी जाएगी। अगर आप रेडियोलॉजिस्ट में सेलेक्टेड होते हैं तो उनको जो 1,50,000 के बीच में आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। मेडिकल ऑफिसर्स में अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो 63,000 पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी के रूप में यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, एज क्राइटेरिया यहाँ पे जो आपका मिनिमम 18 ईयर्स मिनिमम एज यहाँ पे रखी गई एंड मैक्सिमम यहाँ पे जो रखी गई 67 ईयर्स यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट का अगर एज जो है 67 ईयर्स से बिलो होगा, अगर आपके पास MBBS डिग्री होंगे तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नीचे में आप देख पा रहे हो कि जो आपका एड्रेस दी गई है, तो ये जो फॉर्म है आपका, आप किसी भी स्पीड पोस्ट या फिर निबंधन डाक के द्वारा आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो कि यहाँ पे जो एड्रेस दी गई है मिशन डायरेक्टर RCH कैंपस झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी GVI कैंपस नामगुम रांची 10, ये आपका एड्रेस दी गई है। इस एड्रेस में आप किसी भी स्पीड पोस्ट या फिर निबंधन डाक के द्वारा जो है भेज करके अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट इस फॉर्म को भेजने की यहाँ पे जो डेट मेंशन की गई है 5 अक्टूबर 2020 इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है। तो इस डेट से पहले जो इस फॉर्म को आप भेज करके अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पे जो ये फॉर्म है आपका 3 मंथ्स के लिए जो आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको रखी जाएगी, एंड जैसे जैसे आपको यहाँ पे वर्क में परफॉर्मेंस रहेगा उसके अनुसार जो आपको यहाँ पे जो वर्क में एक्सटेंड कर दी जाएगी। इस फॉर्म को यहाँ पे भरने के लिए ना ही आपको किसी तरह की अप्लीकेशन फी ली जा रही है, ना ही आपको जो है यहाँ पर रिटर्न टेस्ट के द्वारा यहाँ पर जो है सिलेक्शन ली जा रही है। तो अगर आप इच्छुक हैं, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप झारखंड के स्थायी निवासी होंगे तो, अगर आप झारखंड के स्थायी निवासी होंगे, अगर आप SC ST या फिर BC1 या फिर BC2 कैटेगरी से बिलोंग्स करते होंगे तो उनको जो अप्लाई करने के टाइम जो है आप इसको कास्ट सर्टिफिकेट भी जो है आप दे करके जो है अप्लाई कर सकते हैं। आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे कंपलसरी यहाँ पे बतलाई गई है। तो ये जो इसका ऑफिशियल लिंक यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसमें जाकर जो फर्स्ट इसका जो अप्लीकेशन का फॉर्मेट होगा उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो वहाँ से जाकर जो है डायरेक्ट जो है इस फॉर्म को, अप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड करके जो है अप्लाई कर सकते हैं। नीचे में देख पा रहे हो कि जो इसका एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, तो आप चाहें तो किसी भी साइबर कैफे में फर्स्ट में जाकर जो है इसका जो है प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद जो है आपको यहाँ पे जितने भी सारे जो डिटेल्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपको यहाँ पे फोटो लगाना है, उसके बाद आप पोस्ट कोड आपको यहाँ पे देना है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। नीचे में आप यहाँ पे फर्स्ट नेम, जो आपका मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, जो भी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं इसको आपको अच्छी तरह से यहाँ पे फिल कर लेना है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो अभी आपका यहाँ पे MBBS होगा तो उसके अनुसार यहाँ से आपको फिल कर लेना है। उसके बाद जो ऊपर में जो एड्रेस दी गई थी उसमें आपको जो है सेंड कर देना है 5 अक्टूबर से पहले। अगर आपके पास वर्क का एक्सपीरियंस होगा तो आपको जो यहाँ पे जो सिंपल कैंडिडेट होंगे उसके अनुच्छा जो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे अधिक प्रिफ्रेंस दी जाएगी। तो आपका अगर वक्त में एक्सपीरियंस होगा तो आप यहां से मेंशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इच्छुक हैं तो जरूर से अप्लाई कर सकते हैं। ओके।